जम्मू व कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट शोपिया के इलाकों में 55 आरआर और पुलिस ने किया मिलिटेंट के ठिकानों को तबाह। कोल्हापुर जिले के जयसिंहपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध संस्कार मंडल की तरफ से 24वीं अखिल भारतीय बौद्ध धर्म परिषद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत राजकुमार बडोले जी के हाथों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। सुधाकर गायधनी नावाचे कवि म्हणते, असतात या देहाच्या साधीचे नगारे अशेत वाजत राहिले असते चालत। अरे बाबा तू झाला नसतास तर या देहाच्या साधीचे नगारे असेच वाजत राहिले असते सालन साल। न पदरातल्या पदरात रडत बसल्या असत्या आमच्या आया बया नसता, पण परत त्याच आपल्या गावातल्या गावचा बाहेर किंवा तिकडचे ते। पंचायत चुनाव के खत्म होने के बाद आए दिन चुनावी रंजिश के चलते हर जगह वारदातें रोजाना हो रही है। सीतापुर के तंबोर थाने के अंतर्गत एक गांव में समिति के गठन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वहीं उसके बाद गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। सदस्य चुने गए, उनको सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था। उस सर्टिफिकेट के बांटे जाने को लेकर एक महिला थी, उनका पुत्र है सुनील, जो सर्टिफिकेट को जल्दी लेने के चक्कर में उसमें बाता कही हो गई, वाद विवाद हो गया। उस पर जो पूर्व प्रधान थे वो उनको लेकर के बाहर निकाल रहे थे, भाई झगड़ा न करो, उसी में आवेश में आकर के उसने चाकू मार दिया पूर्व प्रधान को। मेरठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम को इंटरनेट की कॉल द्वारा दी गई जान से मारने की धमकी। आज सुबह 9:30 बजे एक नंबर से विधायक के सरकारी नंबर पर कॉल आई। विधायक संगीत सोम के मुताबिक फोन करने वाले ने अपने आप को ISI से जुड़ा होने की बात कहते हुए उन्हें गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। लोगों ने कहा कोई वो था PA है मेरा विकास, उसने कॉल उठाई तो उससे बात कराने के लिए कहा, उसने नाम पूछा तो नहीं बताया, चूंकि वो कुछ इंग्लिश में ज्यादा बोल रहा था, बहुत समझ भी नहीं पा रहा था लड़का। उसने ला के मुझे ऊपर मेरे कमरे में कॉल दिया तो कहा कि मैंने पूछा कौन बोल रहे हो कि मैं IAS है, वो क्या नाम लिया है, उससे बोल रहा हूँ और हमारे लड़के तुम्हें उड़ाने के लिए पहुँच गए और चूंकि हम बता के काम करते हैं इसलिए तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी उड़ा दिया जाएगा। तो मैं थोड़ा इधर से सख्त हुआ, मैंने कहा तुम बोल कौन रहे हो, नाम बताइए अपना। तो चूँकि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहा था तो उसने फिर उधर से थोड़ा अपशब्दों का यूज किया और अजीब टाइप की कि तू जाके अपने देश के प्रधानमंत्री के पास बैठ जा मोदी के, तुझे तब भी उड़ाया जाएगा, तुझे छोड़ा तो नहीं जाएगा। श्रीनगर के जियाना कदल में लगी भयानक आग जिसमें कई दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ। मेरठ के थाना टीपी नगर पुलिस की टीम ने दिल्ली हाईवे से लूटपाट कर रहे बदमाशों के गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह कई प्रदेशों में लूटपाट की वारदात को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश नोएडा के राहुल गैंग में काम करते हैं। साथ ही बदमाशों ने बताया कि नोएडा और पानीपत में उन्होंने लूट की 35 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया है। टीपी नगर SO के निर्देशन में इनकी दो पार्टियां हाईवे की सुरक्षा में लगी हुई थी। इसी दौरान नोएडा से एक गाड़ी लूटे जाने की सूचना पहले से जो प्राप्त थी उसके यहाँ होने की सूचना प्राप्त हुई और ये भी सूचना प्राप्त हुई कि हाईवे पर वो गाड़ी के साथ में कहीं खड़े हुए हैं। इसकी नाकेबंदी करते हुए SO की दोनों टीमों ने हाईवे को पूरी तरह से नाकेबंदी कराया। उसमें पोलो लाल रंग की गाड़ी में 4 बदमाश वहाँ बैठे हुए थे। इसके अलावा 2 और थे जिसमें नीरज भाटी के साथ में 5 इनके गैंग के सदस्य थे। इन्होंने पुलिस से घिरता हुआ देख करके पुलिस पार्टी पर इन्होंने फायर किया और बच निकलने का प्रयास भी किया। मौके पर इनको दबोचा गया। इनके साथ ये लूटी गई कार और साथ साथ इनके 4 अदद तमंचे, कोखे और वो गाड़ी लाल रंग की, ये बरामद हुई है।
छतरपुर शहर की दर्जनों महिलाओं ने अपने सर पर खाली मटके रखकर पूरे शहर में प्रदर्शन करते हुए नगरपालिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। उधर प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। पानी नहीं मिलता है वो चार चार दिन, न सपाते हैं न कछु करते। क्या किया फिर आज? न कछु करा सपरे हैं, खाली मटके लेके आए, पानी चाहने हैं। फिरोजाबाद जिले के शकोहाबाद में चल रहे अवैध खनन पर हाई कोर्ट के आदेशानुसार जिलाधिकारी ने आज ग्राम दिकतोली में अवैध खनन की जांच की। जिलाधिकारी की जांच में चारगाह की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा खनन किया गया है। रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डाला था कि दिकतोली गांव में अवैध खनन बालू का खनन हो रहा है और कुछ गाटा संख्या उन्होंने उल्लेख किया था रिट पिटीशन में। हाँ, इसमें पूर्व में SDM साहिबान और शासन की टीम संयुक्त जांच की गई थी, तो इसमें मैं जांच कर रहा हूँ। हर गाटा संख्या को स्वयं जाके देख रहा हूँ। पूरी टीम यहाँ गाँव वालों के सामने, किसानों के सामने यहाँ खड़े होकर जाँच कर रहे हैं। अगर कोई अवैध खनन पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी और अगर इसके अनुसार रिपोर्ट, जो सत्यात्मक रिपोर्ट पूरे एविडेंस के साथ वीडियोग्राफी के साथ हम लोग माननीय न्यायालय में और शासन का अवगत कराएंगे। मुंबई के कुल्ला उपनगर के रेलवे GRP ने एक महिला की लाश सेंट्रल रेलवे डीजल लोको शेड कुल्ला के पास झाड़ियों में बरामद की। GRP का मानना है कि ये लाश महीनों से वहां पड़ी हो सकती है। जानकारी मिलने के बाद महिला की बॉडी को राजावाड़ी हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला के हाथों पर एक नंबर लिखा हुआ पाया गया है। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि ये मर्डर है या आत्महत्या। हम खड़े हैं कुर्ला के लोकल डीजल शेड के सामने। आज हुई एक वारदात जो काफ़ी डेढ़ महीने से एक लाश एक छः नंबर पटरी के पास पड़ी हुई थी और उसका कोई भी पता नहीं था। तो आज पुलिस के सूत्रों के अनुसार वो आज उन्हें पता चला और जगह पे जो PI चौहान साहब है वो वारदात पर मौजूद थे और उसकी पूरी जांच पड़ताल कर रहे थे और ऐसे में कुछ भी अभी तक उसका सामने खुलासा नहीं हुआ है कि वो बॉडी किसकी है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है कि उसके घर वाले कौन है और क्या है। तो पुलिस पूरी तरह से अपना काम कर रही है और अभी तक उस पुलिस के सूत्रों के अनुसार कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो क्या है इसके पीछे का रहस्य हम नहीं जानते, लेकिन इसके अधिकारी जो कैमरे पे नहीं कहना चाहते कि इसके पीछे का क्या है, तो वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस बॉडी के पीछे का मतलब जो क्या है इसका रहस्य और किसकी है बॉडी करके उसका पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं इसका पता लगाने के लिए। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ मैं स्टीवन जॉन, CN न्यूज मुंबई। पूरे कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की दी हुई कॉल से पूरा कश्मीर बंद रहा। कॉल की वजह राजौरी में BDC की हाथों मारे गए मां बेटी की हत्या। मंगरूल पीर तहसील के सायखेड़ में शौचालय निर्माण कार्य के लिए मंगलसूत्र बेचने वाली राज्य की स्वच्छता दूत संगीता आवाले की सासुमा को खुले में शौच को जाते हुए गुड मॉर्निंग पथक ने पकड़ा। महीम दरगाह में लगा मेला, मन्नत मांगने वालों की लगी भीड़। जहां मुस्लिम ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग मन्नत मांगने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां जो मन्नत मांगता है वो पूरी हो जाती है, इसलिए सभी वहां जाते हैं मन्नत मांगने और महामहिम दरगाह पर चादर चलाने। आज महिम के मेले का आगाज हुआ है मगरिब के बाद और यहाँ के मैनेजमेंट के लोग जाके उसको नगारे से उसका कॉल दिए। महिम का मेला जो है वो मखदूम शाहबा की मान में एक सदियों पुराना चल रहा है जो गवर्नमेंट के गैजेट में भी है और मुंबई पुलिस की पहली चादर यहाँ चल रही है चढ़ेगी जो ऑन द वे है अभी और उसके बाद में महिम दरगाह का वहाँ कवाली का प्रोग्राम है। ये मेला जो है 10 दिन तक रहेगा 3 तारीख तक और लोगों से ये गुजारिश है कि बहुत ही एहतराम के साथ में मखदूम शाहबा के वहाँ अपना संदल पेश करें। अलीगंज पुलिस ने एक युवक को 2 अवैध असलों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी असलों का तस्कर था जिसे मुखबिर की सूचना पर सदरपुर धागा मिल के पास से गिरफ्तार किया गया। ये पहले सूचना मिल रही थी कि हरिचंद वर्मा है, इनके पास नाजायज असले हैं। हमारी सर्विलांस टीम और थाना की टीम लगी हुई थी, दोनों ने कल हरिचंद वर्मा निवासी खलीबतपुर जो टांडा थाने का रहने वाला है उसके पास से एक अदद पिस्टल और एक कट्टा। RPI के लोकप्रिय नेता खासदार रामदास अठावले का जन्मदिन मनाया गया, साथ ही RPI महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हेमंत सावंत का भी जन्मदिन मनाया गया।
इस जन्मदिन की पूरी तैयारी मुंबई संगठन सचिव और कर्जदार जामीन द्वार हक बचाव कार्य अध्यक्ष राजू पुजारी ने की। रुड़की पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब 17 तारीख से फरार बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। इतना ही नहीं, पुलिस ने एक 10,000 के इनामी बदमाश मुरसलीन उर्फ दिलजले को देवबंद के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। 25 शाम तक में जो है हमने जब बंद किया था, उसके बाद जब पुलिस जो है इनका कोर्ट में पेश के लिए लेके जाते वक्त जो है मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल लेके गए थे, उस वक्त हॉस्पिटल से ये फरार हो गया था। फिर इनके पीछे हमारा टीम लगी हुई थी। ये टीम जो है हमारा जो आस पड़ोस का जनपद है वहाँ पे तक भी गए थे। फिर कल रात जो है इनका घर से जो है इनको अरेस्टिंग करके लेके आ गए। तो हमें तो खुशी इस बात की, कश्मीर के लोग तो हमेशा इस बात को इस बात को चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ताल्लुकात बेहतर हों, दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद हो, ट्रस्ट हो, वो बढ़े। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो है पॉलिटिकल लेवल पर अगर दोनों मुल्क बातचीत को आगे बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया है और उस अमल को वो आगे बढ़ाएं, उस प्रोसेस को वो स्ट्रेंथन करें, और कश्मीर के मसले का हल भी इसी बात में मुजमिर है कि दोनों मुल्कों के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ें। तो कश्मीरी आवाम और कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इसको वेलकम करती है और हम तवक्का रखते हैं कि दोनों मुल्क बातचीत के ज़रिए प्रायोरिटी बेसिस पर कश्मीर के मसले को, कश्मीर का जो एक अनरिजॉल्व इशू है जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक कोर इशू है, इस मसले को बातचीत के ज़रिए कश्मीरियों की इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए हल करेंगे और पूरे बरसगीर के लिए, साउथ एशिया के लिए ये अच्छी बात होगी।